तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अभय शर्मा ब्लॉग। तो कल का ब्लॉग आपने देखा होगा कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, 15 से 20 मिनट का ब्लॉग बन गया था वो, क्योंकि उसमें कवर करना था मुझे सीन्स को, तो सीन्स काफ़ी बड़े बड़े थे, इसलिए क्रॉप कट आउट कर करके मैंने वो ब्लॉग 20 मिनट में कवर अप किया। तो फिर आज का ब्लॉग मैंने काफ़ी लेट शुरू किया है क्योंकि मेरी बहन हॉस्पिटल में एडमिट है और मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, तो दोपहर के 1 बज रहे हैं और ब्लॉग अब शुरू कर रहा हूँ मैं। तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप कंटिन्यू बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ और निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, तो पूरे ब्लॉग को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली मैं और जेस रेडी हो गए हॉस्पिटल जाने के लिए, तो हम पायल के हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो एडमिट है वहाँ पर, तो चलिए चलते। तो ये कुछ नज़ारा है हमारे यहाँ का। तो फाइनली हम क्लिनिक पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंच गए और पायल को ये ग्लूकोज लगा हुआ है, ये शायद दूसरा बॉटल है, पहला बॉटल हो गया लग के। तो क्या कहना चाहती हो पायल? बॉटल ख़त्म होने वाला है, बस बॉटल थोड़ा ही बचा है। जयश, सब बढ़िया है। फाइनली पायल से मिल लिया, अभी उसको लेके जाना है, डिस्चार्ज हो जाएगी, थोड़ा ही सा बच्चा है, फिर डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर हम घर जाएंगे, बाकी का ब्लॉग हम कंटिन्यू करते हैं जेएस के साथ। तो हम घर पे जा रहे हैं, पायल को डिस्चार्ज करवा कर। तो अब मैंने पायल को घर पे छोड़ दिया, बेड रेस्ट कर रही है, तो अब मैं जा रहा हूँ नारियल पानी का जूस लेने, फिर उसी जगह पे जहाँ कल गया था। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, ड्यू टू सम फैमिली रीजन, मीन्स मेरी बहन का तबीयत ठीक नहीं है, तो वीडियो बनाने में कुछ मन नहीं लग रहा है, तो इसकी वजह से मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब कल से मैं दूर जाऊँगा, जैसे मरीन ड्राइव, बैंड स्टैंड या महालक्ष्मी या मुंबई सेंट्रल, तो वहाँ पर मैं वीडियो बना के अपने ब्लॉग को कवर आउट करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मैंने अब तक ये 4 ब्लॉग वीडियो बनाया है, बट सीरियसली बताओ तो काफ़ी मेहनत लगी है मुझे इस 4 वीडियो को बनाने में और अपलोड करने में। तो गाइस प्लीज़, स्टार्टिंग ऑफ द डे कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ब्लॉगर अपना जो वीडियो है वो कंटेंट, वो सब हाई क्लास नहीं दे सकता। तो मैं रेंडमली एंड्रॉयड से ही बनाता हूँ अपने वीडियो को, और मैं नहीं चाहता कि कोई एडिशनल कुछ सपोर्ट लूँ या कुछ लूँ, तो मैं अपने दम पर ही, जो भी ऑडियंस गेन होंगे वो अपने दम पर ही होना चाहता है, तो फिर मैं वहीं से कवर अप करना चाहता हूँ।